से 20 तक है, अपने इनका योग पूछा हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना है। अंतिम संख्या देखिए 1 से 20 तक पूछा हुआ है, तो 20 मल्टीप्लाई जो अंतिम पूछा उसमें 1 जोड़ दो, 20 और 1 21 डिवाइड 2, ये 2 से किया 10 बार, आंसर क्या आ गया 210, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 72 तक की सभी संख्याओं का योग देखिए, वही बात है, 72 और 1 जोड़ दो, 73 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ गया 36, तो ये क्या आ जाएगा 2628, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 54 से उतनी कम है जितने की 42 से अधिक है, और अपने को संख्या ज्ञात करनी है, तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले देखो 54 से कम है, तो 54 माइनस एक्स किसके बराबर है, 42 से अधिक है, तो 42 प्लस एक्स, एक्स इस साइड आएगा जुड़ेगा, तो एक्स प्लस एक्स 2x और 54 प्लस में 42, तो 2x बराबर कितना आ गया 96, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 60% में 40 जोड़ने पर उस संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले देखो संख्या का 60% क्या होगा, x संख्या मानी, उसका 60% हो गया 3/5, उसमें 40 जोड़ना है अपने को, तो उसमें 40 जोड़ा, वो किसके बराबर है, संख्या के बराबर, संख्या के 80% के, तो ये क्या आ गया x इंटू 4/5, इसको सोल्व करो तो ये क्या आएगा 3x प्लस 40 इंटू 5 200/5 बराबर में क्या आएगा 4x/5, ये 5 से 5 गया, 3x इस साइड आएगा, तो 200/4x माइनस 3x, तो x बराबर कितना आ गया 200, तो वो संख्या कौन सी होगी 200 होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या की 3/4 का 2/5 204 है, तो संख्या अपन x मानेंगे, उसका 3/4 क्या होगा 3/4 का 2/5, तो फिर गुणा 2/5, वो 204 के बराबर है, तो 204 ये 3 से गया 6, 8, 68 बार, और ये 2 से गया 34 बार, तो x बराबर 34 इंटू 4/5 गुणा में जाएगा, 4 × 5 होता है 20, तो x बराबर कितना आ गया 680। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को उसके 1/3 से 18 अधिक है, संख्या अपनी 1/3 से 18 अधिक है, ये सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो x माइनस अधिक है, इसलिए अब संख्या माइनस करेंगे 1/3, तो x बटा में 3/18, इसको सोल्व करेंगे ये क्या आएगा 3x-x/18 × 3, क्योंकि यह भाग में है, इधर गुणा में जाएगा, तो ये आ गया 2x/54, तो x बराबर क्या आ गया 27, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई अंक अपने को ज्ञात करना है, तो इकाई अंक के लिए सबसे पहले देखिए 59 है, तो इसमें 4 का भाग दीजिए, ये ट्रिक कोई नहीं बताता है, 4 का भाग देंगे एक बार 19 और 4 × 16, तो सेंसफल क्या बचा 3, तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, अपने को इकाई अंक ज्ञात करना है, 9 × 9 81 आएगा, तो अपने को लास्ट वाला अंक चाहिए 9, तो 1 × 9 बराबर कितना आ गया 9, तो ऑप्शन नंबर ए इकाई अंक होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स एक पूर्ण संख्या है, तो (x²) (-1) हमेशा विभाज्य होगा, तो यहाँ पे देखो x का मान 0 रखेंगे तो -1 आएगा, तो अपने पास ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपन इसमें 1 रखें तो 1 1 0 बन जाएगा, अगर अपन 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2² - 2² - 1, ये हो गया 4 × ये 4 में से 1 गया 3 12, तो हमेशा किससे विभाज्य होगा 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n का सबसे छोटा मान जिसके लिए 2n प्लस 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या जाएगा, 2 × 1 + 1 = 3। फिर n का मान 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 1 = 4 और 1 = 5। और n का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 × 3 + 1 ये कितना आ गया, 7। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, वो कौन सी संख्या है, वो 1 है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 2 है, और सबसे छोटी जो विषम संख्या अगर अभाज्य पूछी जाए तो वो 3 है, और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।